कुंडली के ये भाव समझ ले आप कि कुंडली जो बनी उसके ये भावों का क्रम है। लगन हमेशा सेंटर में आएगा, जो लगन निकलेगा, और ये क्रम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऐसे क्रम चलेगा। लगन आपका जो भी नंबर आएगा, सपोज करो आपका 9 नंबर का लगन आया, तो 9 नंबर सेंटर में आएगा, एक एक नंबर आएगा 2 की जगह पे, एंड सो ऑन। सपोज करो आपका 5 नंबर का लगन आया, तो 5 नंबर सेंटर में आएगा, अच्छा 6 नंबर आएगा 2 की जगह पे, एंड देन सो ऑन। ठीक है, तो ये क्रम है, ये यही रहेगा। ये सुनीता जी और जिनाद जी, आपको क्लियर ये बात? यस सर। सुनीता मैडम आपको क्लियर ये बात? हाँ यस डन। सर। राजीव जी आपको भी क्लियर ये बात? क्लियर क्लियर क्लियर। डन। ये भावों के कारक प्लैनेट है, ये यहाँ पे गिनती और भाव दो अलग अलग लिखे हैं। डू नॉट कंफ्यूज कि 1 के बाद 3 कैसे आ गया और 8 कैसे आ गया। ये 1 3 और 8 और 4 जो ना, ये प्लैनेट के नंबर है, प्लैनेट के अंक हैं ये। 1 3 4, 1 3 8 4, ये जैसे सूर्य का नंबर 1 होता है, गुरु का 3 होता है, शनि का 8 होता है, लेकिन भाव के नंबर ऊपर लिखे हैं अलग से। अगर आप देखेंगे भाव का 1 3 4, 1 2 3 4 5 6, भाव के नंबर अलग से लिखे गए हैं इसमें, तो डोंट गेट कंफ्यूज। अब हम इनके एक्सक्यूज मी मीनिंग। सर, जी वैदिक और इसका लग्न अलग अलग आ सकता है जी बिल्कुल। जैसे आपने। कुंडली का एस्ट्रोलॉजी से कोई, इस कुंडली का एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। ठीक ओके सर, राइट। है, डन। एक मिनट देंगे, अब हम समझेंगे कि इन भावों का क्या मतलब है। भाव नंबर 1 का क्या मतलब है, भाव नंबर 2 का क्या मतलब है। ठीक है, भाव नंबर एक जो सूर्य का होता है, भाव नंबर एक हमें बताता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर भाव की अपनी गाथा होती है, हर भाव का अपना मीनिंग होता है एस्ट्रोलॉजी में, इसी प्रकार से इसके अंदर भी हर भाव की अपनी गाथा है, हर भाव का अपना एक मतलब है। भाव नंबर एक का मतलब भाव जातक का स्वास्थ्य, शारीरिक अवस्था, स्वास्थ्य, परिश्रम, आयु, सफलता, असफलता, ज्ञान, बल, विवेक, गौरव, सरकारी पद्धति पदवी, सरकारी पदवी, हम इन सब का हेल्थ, शरीर, शारीरिक अवस्था, बॉडली मतलब बॉडी हमारी काया, फिजिकल बेसिकली फिजिकल एस्पेक्ट, परिश्रम, लेबर, आयु, एज, सफलता, असफलता, ज्ञान, नॉलेज, बल, हिम्मत, कॉन्फिडेंस, विवेक, मतलब विवेक मतलब कामनेस, या विवेक मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या वर्ड होगा विवेक का, राइट? मीनिंग विवेक मतलब धैर्य, विजडम, वुड इट बी विजडम? विजडम और इंटेलिजेंस। नहीं विवेक मतलब विजडम नहीं, विवेक मतलब धैर्य होता है। धैर्य मतलब एक लाइक पेशेंस पेशेंस, पेशेंस, एब्सोल्युटली राइट, पेशेंस। पेशेंस ओके। गौरव, सरकारी पदवी, ये सब चीजों का विचार हम भाव नंबर एक से करेंगे। और एक भाव सूर्य का है, सूर्य अगर यहाँ पे जब बैठेगा तो सूर्य के ये सारे कारक तत्वों में वृद्धि करेगा। अभी अगर यहाँ पे सूर्य नहीं बैठेगा, सूर्य की जगह पे कोई और प्लैनेट बैठेगा अगर, तो वो प्लैनेट जो बैठेगा वो सूर्य का मित्र होगा, तो भाव नंबर एक के कारक में सपोर्ट करेगा। अगर वो प्लैनेट सूर्य का शत्रु होगा तो भाव नंबर एक के कारक तत्वों का नाश करेगा, उसका विनाश करेगा, उसके अंदर नुकसान करेगा। तो भाव नंबर एक के सूर्य है, सूर्य के कौन कौन से मित्र है, कौन कौन से शत्रु हैं, ये मैंने आपको चार्ट में दिया है। तो जो मित्र होंगे वो सपोर्ट करेंगे, जो शत्रु होंगे वो भाव नंबर एक के कारक तत्वों का नाश करेंगे। ये हम देखेंगे आगे जाके, हर हर भाव हर लगन की अपनी अपनी व्याख्या करेंगे, तब हम उस केस में हम इसको देखेंगे।